अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो है वो ऑर्बिटल ट्रॉमा को स्टडी करेंगे। ऑर्बिटल ट्रॉमा के अंदर हम कॉर्नियल लेसरेशन को देखेंगे, लेंस डिसलोकेशन को देखेंगे, ब्लू आउट एंड ब्लू इन फ्रैक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल वॉल को स्टडी करेंगे, डिफरेंट हेमरेजेस को देखेंगे, विट्रस हेमरेज एंड रेटिनल हेमरेज, क्रोइडल डिटैचमेंट को देखेंगे, ग्लूब डिफॉर्मिटी एंड इंट्राकुलर फॉरेन बॉडी को देखेंगे, एक्सरे एंड सीटी स्कैन की मदद से जो है वो हम एंड एमआरआई की मदद से इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। जैसा कि हमने बात किया था कि मुसलमान और मोमिन में मेन फ़र्क होता है ईमान का। सो ईमान इंक्लूड्स थ्री थिंग। नंबर वन, बिलीफ इन द हार्ट, दिल के अंदर ईमान हो। नंबर टू, वर्ड्स ऑन द टंग, ज़बान के ऊपर जो है कलमा शहादत हो। एंड नंबर थ्री, एक्शंस ऑन ऑफ द बॉडी, यानी कि वो नेक अमल करे। ईमान लाने के बाद जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि फिर इंसान नेक अमल करे। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान जो है वो कहे कि मेरे अंदर ईमान है और उसका लाइफ स्टाइल जो है वो नॉन मुस्लिम्स की तरह हो, उसका उठना बैठना जो है वो नॉन मुस्लिम्स की तरह हो। तो एक्शंस हमने वही करने हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें साबित है। जैसे हर अमल जो कि हम नेक समझ के करें वो नेक नहीं होता जब तक कि उसकी दलील जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना मिलती हो। कुरान के अंदर भी मोर देन 40 टाइम्स अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो है वो अपने रसूल की इताअत करो, जैसे कि एक सूरत में भी आते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल। या अय्युहल्लज़ीना आमनु में एड्रेस किया गया ईमान वालों के, कि जो ईमान ले आए हो अब क्या करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। हदीस में भी आते हैं, सही मुस्लिम की हदीस में, नो वन कैन बिकम मोमिन बिलीवर अंटिल आई बिकम मोर बिलवर टू हिम देन हिज फैमिली वेल्थ एंड ऑल ऑफ पीपल। यानी कोई भी इंसान मोमिन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको हर चीज़ से ज़्यादा उसकी फैमिली से, उसकी वेल्थ और तमाम लोगों के साथ ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। तो हमें आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तभी अजीज़ होंगे जब हमें जो है वो उनके बारे में पता होगा कि वो कैसे थे, क्या करते थे। सो इस ज़रूरी है कि जो हम अपनी ज़िंदगियों में से थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि हम जो है वो इसको भी पढ़ सकें, अपनी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी कर सकें। और जैसे कि इस आयत में भी आता है इन्नल्लज़ीना आमनु, ये भी एड्रेस हो रहा है ईमान वालों को एड्रेस किया गया है कि जो लोग ईमान लाए हो तो आप क्या करो, नेक अमल करो। और नेक अमल क्यों करने हैं हमने ईमान लाने के बाद, ताकि हम जो है वो जन्नत के बाग में दाखिल हो सकें। यकीनन इनके लिए जन्नत के बाग हैं जिसके नीचे नहर बहती होंगी, और ये बड़ी कामयाबी की बात है। और हदीस के अंदर भी आता है कि हमेशा हमें अपने लिए जन्नतुल फिरदौस मांगनी चाहिए। इसके लिए एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। या अल्लाह हमें जो है वो जन्नतुल फिरदौस, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है जन्नत का, वो अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। सो ऑर्बिटल ट्रॉमा को, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि आई की जो है वो एनाटॉमी क्या होती है। तो ये बीच के अंदर जो हमारे पास लेंस होता है, लेंस कनेक्टेड होता है सस्पेंसरी लिगमेंट्स के थ्रू। यहाँ आगे हमारे पास एंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है, एंड पोस्टीरियर चैम्बर में जो है वो विट्रस ह्यूमर होता है। ये जो है वो लेयर्स हैं इसकी, आई की कोरोइड होती है, रेटिना होती है, स्क्लेरा होती है। तो जब हम कोरोइडल डिटैचमेंट की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि इसकी इस लेयर की डिटैचमेंट हुई है। तो ये एंटीरियर चैम्बर है, पोस्टीरियर, एंड ये लेंस है। सो स्टार्ट करते हैं। कॉर्नियल लेसरेशन सबसे पहले क्या होता है कि जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस वाली इमेज में कि जो ये लेंस है इससे आगे कोई हमें चैम्बर नहीं नज़र आ रहा है, एज़ कम्पेयर टू दिस इमेज कि ये हमारे पास लेंस है और यहाँ हमें आगे एंटीरियर चैम्बर और पीछे पोस्टीरियर चैम्बर नज़र आ रहा है। तो कॉर्नियल लेसरेशन में क्या होता है कि जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जैसे यहाँ पर कोई भी चैम्बर नहीं है मौजूद। लेंस डिसलोकेशन सेकेंड चीज़ है। लेंस डिसलोकेशन में क्या होगा कि जो लेंस है वो अपनी पोजीशन से मूव करके जो है वो डिसप्लेस हो जाएगा। तो ये एमआरआई की इमेज है, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग की, कि यहाँ लेंस जो है वो डिटैच होके अपनी लोकेशन चेंज कर लिया उसने। लेंस डिसलोकेशन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये तो सही से है लेंस, बट इस लेंस में क्या हुआ है कि जो लिगामेंट्स थे वो यहाँ से ब्रेक हो गए हैं और लेंस जो है वो डिसलोकेट हो गया है।
ग्लोब डिफॉर्मिटी। ग्लोब डिफॉर्मिटी के में क्या होता है कि जो हमारा आई होती है, जिसके अंदर आई प्लेस हुई होती है, उसको हम ग्लोब कहते हैं। अब होता ये है कि जो ग्लोब की अपनी पोजीशन होती है, अपनी जो शेप होती है, वो चेंज हो जाती है। जैसे एज़ कम्पेयर टू दिस हम इसको देखें तो इसकी शेप क्या हो गई है, चेंज हो गई है ग्लोब की। इसमें भी यही है कि जो शेप थी ग्लोब की वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो हम इसको जो है वो कहते हैं कि ये ग्लोब की डिफॉर्मिटी है। ग्लोब की डिफॉर्मिटी में एक साइन होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैट टायर साइन, या जिसको मशरूम साइन कहते हैं। वो इंडिकेशन होता है ओपन ग्लोब इंजरी का, कि कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसमें बाहर से कोई चीज़ आके जो है वो स्ट्राइक हुई है, जिसने ग्लोब को जो है वो मतलब उसकी शेप को चेंज कर दिया, और जो ये यहाँ पे हमारा लेंस था वो एक्सट्रूजन में चला गया, यानी वो बाहर चला गया है। रेटिनल हेमरेज में क्या होगा कि आई के अंदर जो है वो ब्लड आ जाएगा, रेटिना के अंदर ब्लड आ जाएगा। अगर ये हम उसकी इमेज देखें सीटी स्कैन की, तो सीटी स्कैन के ऊपर हमें ये वाइट कलर का जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पे ये एमआरआई की इमेज है, एमआरआई की इमेज में हमें ये इस तरीके से नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर का ब्लड नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पे हमें जो है वो सीटी स्कैन की इमेज में जो हमारे पास ब्लड है, वो हमें वाइट कलर का जो है वो नज़र आ रहा है रेटिनल हेमरेज में। कोरोइडल डिटैचमेंट में क्या होगा कि जो हमारी लेयर थी कोरोइड की, वो इस तरीके से डिटैच हो गई है। दूसरी वाली तो कम्प्लीटली ग्लोब जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, लेकिन इधर क्या हुआ है, कोरोइडल डिटैचमेंट। दिस इज़ द विट्रस हेमरेज। इसमें क्या हुआ है कि जो विट्रस ह्यूमर था, आगे क्या होता है, दो चैम्बर्स थे आई के, आगे एक्वस ह्यूमर, पीछे पॉस्टीरियरली विट्रस ह्यूमर। तो उसमें यह हुआ है कि जो विट्रस ह्यूमर था पीछे वाला, उसके अंदर ब्लड आ गया है। तो जब ब्लड आएगा सीटी स्कैन में तो वो हमें वाइट नज़र आएगा, तो यहाँ पर हमें विट्रस हेमरेज नज़र आ रहा है। दिस इज़ द इंट्रा ऑक्यूलर फॉरन बॉडी, क्या हमें यहाँ पे एमआरआई में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई फॉरन बॉडी है आई के अंदर, इंट्रा ऑक्यूलर फॉरन बॉडी। यहाँ हमें एमआरआई में ये फॉरन बॉडी नज़र आ रही है, और यहाँ पे ये वाली फॉरन बॉडी नज़र आ रही है। नाउ ब्लो आउट फ्रैक्चर्स ऑफ द ऑर्बिटल फॉल एंड ब्लो इन फ्रैक्चर्स। ब्लो आउट में क्या होता है, ब्लो आउट में ये होता है कि जब ऑर्बिटल वॉल टूटती है तो जो हमारे पास वो होता है मसल होता है इन्फीरियर रेक्टस, वो बाहर चला जाता है। तो यानी जो वॉल है वो टूटने के बाद अगर वो पोस्टीरियर चला जाए तो उसको हम ब्लो आउट फ्रैक्चर कहते हैं, कि जो हमारे पास ऑर्बिटल वॉल थी वो टूट के जो ये हमारे पास इस इन्फीरियर रेक्टस मसल है, ये अगर जो है वो यहाँ मैक्सिलरी साइनस में आ जाए तो हम इसको ब्लो आउट फ्रैक्चर कहेंगे। यहाँ पे ये बाहर नहीं गया है, इन्फीरियर रेक्टस फ्रैक्चर हुआ है लेकिन ये बाहर नहीं गया। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि फ्रैक्चर हुआ है लेकिन जो इन्फीरियर रेक्टस जो मसल है वो बाहर नहीं गया। लेकिन इस इंजरी में क्या हुआ है कि जो इन्फीरियर रेक्टस था वो यहाँ से बोन ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद इन्फीरियर रेक्टस जो है वो बाहर आ गया। इसको हम जो है वो ट्रैप डोर साइन कहते हैं। ट्रैप डोर साइन का मतलब ये कि जो है वो जो हमारा इन्फीरियर रेक्टस मसल था वो मैक्सिलरी साइनस के अंदर जाके ट्रैप हो गया है, यानी ये बोन बंद हो गई और इसने इसको ट्रैप कर दिया इंफीरियर रेक्टस मसल को मैक्सिलरी साइनस के अंदर। दिस इज़ आल्सो द ब्लो आउट इंजरी, की जो इंफीरियर रेक्टस था यहाँ से टूटने के बाद वो बाहर आ गया। दिस इज़ ब्लो इन इंजरी। ब्लो आउट में क्या था कि जो मसल था वो बाहर जा रहा था, लेकिन ब्लो इन में क्या होता है कि वॉल जो होती है वो टूट के ऑर्बिट के अंदर आ जाती है। ब्लो आउट यानी ऑर्बिट जो था हमारा उससे टूट के जो बोन थी या जो मसल था वो बाहर जा रहा था, एंड ब्लो इन के जो बोन है वो टूट के जो है वो अंदर आ जाएगी। तो ये रूफ है हमारी ऑर्बिटल रूफ, ये टूट के ग्लोब के अंदर आ गया, दैट इज़ ब्लो इन फ्रैक्चर। अब ये लास्ट हमारे पास मीडियल ऑर्बिटल वॉल का फ्रैक्चर है, कि अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये मसल्स स्ट्रेट जा रहे हैं और जो मीडियल वॉल है उसका कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ये मीडियल वॉल टूट गई है, जिसकी वजह से इसने जो है वो उसको क्या नाम है, ये जो मसल था इसको भी जो है वो डिफरेंट शेप में कर दी है।